सो so, पहला जो शुरुआत होता है वो होता है अच्छे आइडियाज आने राइट hmm. अब अच्छे आइडिया आने के आपके तरीके हो सकते हैं यू कैन अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन योर बैंडवर्ड कितना अवेलेबल है कितने रिसोर्सेज आप डिप्लॉय कर पाते हैं उस पर सम बड़ी कैन you सम some सम रेशियो एनालिसिस screening काइंड kind ऑफ of stuff uh, कि किस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं या बहुत सारे टेक्निक्स हैं uh, उसको लेकर के वॉट आई डू बेसिकली इज़ बिकॉज I आई हैव प्रिवलेज ऑफ हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एनालिस्ट अंडर वर्किंग अंडर मी सो वी डू lot of textual study. कि जितने भी कंपनी के मैनेजमेंट के जो भी कमेंट्री जा रहे हैं चाहे वो एनुअली uh, उनके एनुअल रिपोर्ट में वॉट दे आर गाइडिंग फॉर राइट और एवरी क्वार्टर वट इन द कॉर्नकॉल दे आर सींगर मे बी एनी टाइम दे गिव ए मीडिया इंटरव्यू और इंस्टीट्यूशनल इंटरव्यू वी ट्राई टू कलेक्ट ऑल द डेटा फ्राम दोस टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन वी ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे वो कंपनियाँ ऐसी होंगी जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल से वैसी साबित होंगी राइट जैसे आप मैंने कहा था हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है क्वालिटी एंड ग्रोथ तो हम उन कंपनियों की क्वालिटी के अंदर के अंदर जो क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं वो फर्दर इम्प्रूव होने वाले हैं वो इस स्कैनिंग के थ्रू हमने एक इंट्यूटिव आइडिया ले लेते हैं अच्छा। जैसे फला मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है लग रहा है ये फला मैनेजमेंट क्वालिटी ग्रोथ के बीच का एक्सेस पे जाने वाला है राइट सो दिस जस्ट जस्ट नेम कम्स एंड यू हैवे इंटिव अंडरस्टैंडिंग बिकॉज अननेसरली वन कंपनी डूइंग एफर्ट ऑन वन कंपनी विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिट्स ऑफ योर्स एंड यू कैन डू सी सो मेनी कंपनी रिसर्च सो यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज बाई है बिगिनिंग इथ सेल्फ कि इसके अंदर में एक्स्ट्रा दिमाग लगा के टाइम देकर फायदा है कि नहीं है Right, so that's first part of it, idea generation. And how do you generate idea? It can be a number of uh, ways. Once you have an idea, you start working on the financials. So in our case, as a professional money manager, we try to look for the last maybe 30 quarters of earning, last 10 year of profit loss account, balance sheet, cash flow, all the major schedule of assets and liabilities, their revenue driver, the cost structure. So it's, a, it's like we what we do is basically financial modeling. Okay. Mm. and as long a history period that i can go uh, we go there now we do this uh, before understanding the business why because once you have read a lot about the business you get into some kind of a biases mm. so what we do after the initial stage of idea scanning we start building the financial model and we try to de do the uh, understanding of the company more, more in a quantitative sense because the number doesn't give you you know a bias Right. So we, instead of reading about the business first, we do the fundamental research of the company purely in a number sense, in a PLBS cash flow sense, the profit loss account, balance sheet, cash flow sense. राइट बिकॉज देअर बी आस् हार्ड क्वेश्चंस कि यार इसकी 2017 में मार्जिन घटी क्यों थी सो व्हेन यू व्हेन यू लुक एट द डेटा इन बन ऑन एक्सएल सी फाइनेंशियल मॉडल यू फिगर आउट ऑलिस ऑफ द डिस इन द प्रोफिट लॉस अकाउंट और द बैलेंस मे बी कैश फ्लो क्योंकि एफ में सडनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वॉज नेगेटिव राइट then you यू right questions in a financial sense only okay from building on द financial model and then you do द business modeling

So, अगर कौन 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 का सवाल आपके दिमाग में रह गया अगले कॉन कॉल में मैनेजमेंटिसिपेट करें आज द क्वेश्चन इफ इट इज नॉट गड बाई एनी पास यू कैन डू दैट सर बट अगर आंसर नहीं मिला तो डोन्ट बाईट सर आप एक बात बताइए ना आपने कभी भी सपोज आपके आंसर नहीं मिला

अगर आपने ये थीसिस लिखा हुआ था कि ये मैं शेयर इस कारण से ले रहा हूं और आप अगले छह महीने एक साल देख रहे हैं कि वो है जब तक वो थेसिस काम कर रही वो पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होगा करेक्ट प्लस ये थे आपको, दे आपको ट्रैक क्या कर रहे हैं राइट सो एटलीस्ट यू नो कि मुझे रिलायंस में क्या ट्रैक करना है मुझे एच डी बैंक में क्या ट्रैक करना है मुझे अमुक शेयर में क्या ट्रैक करना है नहीं तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टूडे इन तेजी फील होगा आधे घंटे मंदी फील होने लगेगी नो अप्रोच टूवर्ड्स इट और जब तक आपके पास वो कन्विक्सन नहीं है हैव hmm. दैट आपके लिए मल्टी कोई होगा वहां आपने सिर्फ सौ रुपए लगाया हुआ था हजार रुपए लगाया हुआ था दस गुना हो गया पर हजार रुपए पे हुआ है आपका राइट सो टू क्रिएट रियल रियल वेल्थ यू हैव दिस एंड ट्रैकेबल ऑन द टॉप ऑफ बेसिकली वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ गए एंड इन द प्रोसेस रिस्क कंट्रोल मेथड आई मीन यू वॉट एवर रिसर्च यू डू भविष्य भगवान के हाथ में राइट सो इवन इफ ऑल इन दर्केट आई नो मैं का एस्टिमेट कर रहा हूँ एफ वाई छब्बीस का एस्टिमेट कर रहा हूँ एफ बाई थर्टी का एस्टिमेट कर रहा हूं बट डू के आई नो टू थाउजेंड थर्टी फॉर श्योर इट नॉट माई डोमेन आई माई जॉब इज टू अंडरस्टैंड एंड बी एनालिटिकली क्लियरली ये समझना कि क्या होने वाला है सो वॉट का There always will be something which will be against the thesis that you built uh, for that company to in portfolio or your commitment or weightage you put in the stock, right? Mm -hmm. So the idea is to have a very clear -cut defined risk control method thereafter.

Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.